नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के एक संत पिछले 47 महीनों से महज नर्मदा नदी का जल पीकर जिंदा है। वे इसके अलावा कुछ खाते पीते नहीं हैं। ऐसे में डॉक्टर भी हैरान कि आखिर बगैर कुछ खाए पिए उनमें कैसे इतनी ऊर्जा आ जाती है। इस कारण एम्स के डॉक्टर्स ने भी संत पर रिसर्च कर राज्य शासन को रिपोर्ट भेजी है। हम बात कर रहे हैं मां नर्मदा के भक्त दादा गुरु महाराज की। उनका दावा है कि वे पिछले 47 महीने से मां नर्मदा का जल पीकर जिंदा है। वे लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं और जब डॉक्टर को यह बात पता चली कि एक संत बिना भोजन के जिंदा हैं, तो वे भी हैरान रह गए और उन्होंने ये जानने के लिए शोध किया कि आखिर कैसे वे सिर्फ पानी के सहारे जिंदा है। इस मामले में संत का दावा है कि एम्स के डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपी है उसमें कहा गया है कि यह विश्व के चिकित्सा जगत में पहला मौका है जब कोई इंसान बगैर अन्न के जिंदा है। डॉक्टर भी हैरान है कि महज पानी पीकर कैसे उन्हें इतनी ऊर्जा मिलती है कि वे सभी काम भी बगैर किसी दिक्कत के कर लेते हैं। आपको बता दें, दादा गुरु महाराज लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक कार्यक्रम में पहुँचे थे। वहाँ पर करीब 1101 पौधारोपण किए गए। इस दौरान दादा गुरु के एक अनुयायी डॉक्टर अनिल तिवारी ने बताया कि एम्स ने करीब 900 पेज का शोध उन पर किया है, लेकिन अंत में सिर्फ एक लाइन लिखी है कि नर्मदा ही सत्य है।